और शहीद एसपी रणधीर प्रसाद वर्मा के 28वें शहादत दिवस के मौके पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें, बैंकपुर थाना बीवाई हीरापुर शाखा और रणधीर वर्मा चौक पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं उनकी पत्नी प्रो रीता वर्मा, एसएसपी किशोर कौशल, विधायक पूर्णिमा सिंह समेत दर्जनों गणमान्य लोगों ने उनके प्रतिमा पर मालार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की एवं उनके बलिदान को याद किए। आपको बता दें, धनबाद पुलिस ने बैंक मोड़ और रणधीर वर्मा चौक पर सलामी दी। आयोजित कार्यक्रम में भजन और कबीर गायन पेश किया गया। बता दें कि 3 जनवरी 1991 को हीरापुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया में पंजाब के खालिस्तान आतंकवादियों से लड़ते हुए तत्कालीन एसपी रणधीर प्रसाद वर्मा शहीद हुए थे। उनके इस अतुलनीय वीरता के लिए अशोक चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया था। बलिदानियों से ही चलता और जहाँ बलिदान की परंपरा जीवित रहती है वही देश जीवित रहता है। और धनबाद के लोगों से और देश के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ये परंपरा और शहादत मिले इसका सम्मान करें और जारी रहने का सीख मिलती है। शहादत दिवस के अवसर पर हम याद करते हैं तो सर की शहादत है वो न केवल पुलिसकर्मियों के लिए, पदाधिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत है बल्कि पूरे समाज के लिए। जो बलिदान की परंपरा है, जो सर्वोच्च बलिदान सर ने किया, ये सब हम सब के लिए सीख है। छोटे छोटे स्तर पर भी जब बलिदान करने की बात आती है तो कई बार समाज में उसकी भावना होता है और पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस व्यवस्था या पूरा सिस्टम ऑर्डर को बनाने में, व्यवस्था को बनाने में लगा। अगर हम सब नागरिक गण अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को समझें तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। शहादत दिवस के अवसर पर सभी को यह पाठ करना चाहिए, चाहे किसी भी स्तर पर, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन अगर उन स्तर पर हम अपने दायित्व को समझें।